नवरात्रि और हिंदू नववर्ष का शुभारंभ 2 अप्रैल 2022 को हो रहा है। इस दिन माता रानी हम सबको दर्शन देने के लिए 9 दिन के लिए पधार रही है। इस दिन कलश स्थापन का विशेष महत्व होता है, तो कलश स्थापन का जो शुभ मुहूर्त आ रहा है वह 6:10 से 8:30 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त 11:40 से 12:45 तक। आइए अब बात करते हैं कि पूजा विधि कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले मंदिर को साफ कर देना चाहिए। मंदिर को साफ करने के बाद एक लाल वस्त्र बिछाना चाहिए, उसके ऊपर माता की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। माता रानी को नए वस्त्र चढ़ाने चाहिए, श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। माता को इत्र अति प्रिय है, इसलिए माता रानी को 9 दिनों तक इत्र अवश्य चढ़ाइएगा। हल्दी कुमकुम अवश्य माता रानी को चढ़ाइएगा। माता रानी को लाल पुष्प बहुत पसंद है, इसलिए गुड़हल का पुष्प अगर मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। गुड़हल का पुष्प जो है माता रानी को बहुत प्रिय है, लेकिन अगर ना मिले तो लाल कलर का पुष्प भी आप माता को अर्पित कर सकते हैं। जो पूजा की विधि होती है उसमें जो कलश स्थापित किया जाता है, कलश लिया जाता है, कलश में 5 या 7 आम की पत्तियां या अशोक की पत्ती रख सकते हैं। उसके ऊपर नारियल पधारा जाता है, नारियल को जो है लाल वस्त्र से या मौली से बांध दिया जाता है। जो पानी होता है, कलश का जो जल होता है, उसके अंदर हल्दी की एक गांठ होती है, सुपारी होती है, कुछ दक्षिणा रख दी जाती है और इसे 9 दिन तक माता रानी के चरणों में अर्पित किया जाता है। जौ भी बोई जाती है, ऐसा कहते हैं कि जितनी अच्छी जौ खिलेगी उतनी ही माता रानी की सेवा आपने अच्छे से की होगी और माता रानी आपको आशीर्वाद देगी। इस बार माता रानी घोड़े पे सवार होकर आ रही है, तो घोड़े की जो सवारी होती है वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसी मान्यता है कि घोड़े की सवारी का मतलब राजसत्ता की तरफ थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, भूकंप की स्थिति आ सकती है, चक्रवात की स्थिति आ सकती है, युद्ध की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। इससे अगर आप 9 दिन माता रानी की श्रद्धा भक्ति करते हैं तो माता रानी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। इस बार माता रानी की विदाई भी जो है वो भैंसे पे है। भैंसे की विदाई मानी जाती है कि माता रानी के जाने के बाद कुछ रोगों की स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए इस बार जब माता रानी आए तो श्रद्धा और भक्ति के साथ माता रानी का आशीर्वाद लीजिएगा, श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी पूजा अर्चना कीजिएगा। पूजा करने की एक और विधान भी किया जा सकता है। आप एक संकल्प ले सकते हैं कि 11,000 माला का जाप, 21,000 माला का जाप या 31,000 माला का जाप, एक माता रानी का मंत्र ले लीजिए, चाहे ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे का जाप ले लीजिए और इसको संकल्प ले लीजिए कि 11,000 या 21,000 या 31,000 करेंगे, उसको 9 भागों में डिवाइड कर दीजिए। जितनी माला रोज है उसको जाप करने से माता रानी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिन मियां बीबी के बीच में पटरी नहीं खाती है, समथिंग कुछ भी इश्यूज आ रहे होते हैं, परिवार में अनबन रहती है, ऐसे जोड़ों को पर डे माता रानी को इत्र और लाल फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए। सुबह शाम अगर माता रानी को इत्र चढ़ाएंगे तो घर में सुख और सौहार्द आएगा। जिन घरों में फाइनेंस रिगार्डिंग इश्यूज आ रहे होते हैं, ऐसे व्यक्ति माता रानी को सुबह और शाम सफ़ेद मिठाई अर्पित कर सकते हैं और वो मिठाई जो है घर के लोगों को अर्पित करके खुद खाएं, या कोई भी सफ़ेद कलर की प्रसाद बना सकते हैं, रबड़ी बना सकते हैं, कुछ भी जो आप खा सकते हैं ऐसी चीज़ माता रानी को चढ़ाएं और खुद अर्पण करें। ऐसा करने से माता रानी का विशेष आशीर्वाद होगा और घर का फाइनेंस जो है अच्छा होगा। मैं पंडित शुक्ला सदीप आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, जय माता दी।